हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी ये कद्दू लिया है और इसको मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। पहले इसके बीज निकाल लेंगे, जो बीज वाला पोर्शन है उसको इस तरीके से निकाल देंगे। मैंने कद्दू के सारे बीज निकाल दिए हैं और अब इसको कट कर लेंगे। तो इसको मैंने पहले ही धो लिया था और धोने के बाद कट किया है। तो यहाँ पर इसके मैं छोटे छोटे पीसेस इस तरीके से कट कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू के स्लाइस कर लिए हैं और अब इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। तो इस तरीके से कद्दू को काट करके तैयार करना है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने रखा है। इसको जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं आधा छोटी चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। और जीरे और मेथी दाने को थोड़ा सा चटकने देंगे। यहाँ पे जीरा और मेथी दाना दोनों ही बहुत अच्छे से चटक गए हैं। अब इसके बाद इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। स्लाइस में काट करके अब इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसको फ्राई करना है, हल्का गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब इसमें हम कद्दू ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखा है। तो ये कद्दू जो है क्वांटिटी में 1/2 kg था, 1/2 kg कद्दू लिया है मैंने। इस कद्दू को भी चलाते हुए भून लेंगे। तो मैंने इसको 1 मिनट के लिए चलाते हुए भुना। अब इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को सब्जी के साथ। और अब इसको ढक करके हम तकरीबन 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। कद्दू के अंदर अपना ही मॉइस्चर होता है, उसी के अंदर ये पक जाता है। तो इसको मैं ढक देती हूँ। ढक करके मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कद्दू को मैंने 4-5 मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ पे देखिए कद्दू जो है सॉफ्ट हो गया है। और अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, इसका जितना भी मॉइस्चर रह गया है उसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। और कद्दू की सब्जी को मैं थोड़ा सा मैश करके बनाती हूँ, तो इसको थोड़ा मैश भी करेंगे। और आधा छोटी चम्मच इसमें डाल दिया है मैंने अमचूर पाउडर, और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े चंक्स हैं कद्दू के, उसको मैं थोड़ा सा स्पैटुला की हेल्प से मिक्स करती जाऊंगी, मैश करती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैश करना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी को मैंने थोड़ा सा मैश भी कर दिया है। अब देख ढक करके इसको मैं फिर से 2 मिनट के लिए और पका लूँगी, जिससे इसका जो भी मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो बस इस सब्जी को अब 2 मिनट के लिए भून लेना है आपको। तो 2 मिनट ढक करके मैं इसे और पका रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए मैंने और इसको थोड़ा सा मैश कर दिया है। बहुत ही अच्छी हमारी कद्दू की सब्जी रेडी है। आप इस तरीके से बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और